आप सभी को नमस्कार। मैं कलाधर गोपाल, कक्षा 10वीं का छात्र, आप सभी के समक्ष इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर ओ मित्रा ऑनलाइन मीटिंग्स मैनेजर इन टाइनी रोबोस्ट एप्लीकेशन लेकर के प्रस्तुत हूं। अब भी कोविड-19 महामारी खत्म नहीं हुई है और इसके चलते जितने भी स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं सबको बंद कर दिया गया है और इस वर्ष हमने एक नए साधन को अपनाया, ऑनलाइन क्लासेस को। पर जब ये ऑनलाइन क्लासेस आए तब एक सबसे बड़ी दिक्कत थी कि इन सभी मीटिंग्स को मैनेज कैसे किया जाए। बहुत बार ऐसा होता था कि हर क्लासेस की मीटिंग्स आपस में मिक्स हो जाती थी, कुछ डिलीट हो जाती थी, हर बार गूगल अकाउंट पे साइन इन करना, उस मीटिंग को ज्वाइन करना और यदि कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो उसे रिफ्रेश करते हुए बैठे रहना। तो ये दिक्कत ना केवल स्टूडेंट्स को हुई, टीचर्स को भी हुई और कंपनी के एम्प्लॉयज को भी हुई। तो इन सारी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सॉफ्टवेयर ओ मित्रा बनाया है जो हमारी सारी मीटिंग्स को मैनेज करेगा। इसकी सारी डिटेल्स मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल है। आइए चलते हैं मेरी वेबसाइट पर। आप कोई भी ब्राउजर यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे क्रोम यूज कर रहा हूँ। मेरी वेबसाइट है kaladhargopal.wixsite.com/home और जब आप वेबसाइट विजिट करेंगे तब आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। आप स्क्रॉल कीजिए, स्क्रॉल डाउन करते हुए ब्लॉग पेज पर आइएगा और यहाँ पर इसका ब्लॉग आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप ब्लॉग पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। इस ब्लॉग में इसकी सारी जानकारी है, पर यदि आपको इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तब आप ये लिंक पर जा सकते हैं। ये गूगल ड्राइव के लिंक पर आप जाइए। इस पीडीएफ में आपको इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, फिर चाहे वो इसके मॉड्यूल्स के बारे में हो, इसके प्रोग्राम को बनाने के प्रोसेस के बारे में हो, क्यों बनाया गया उसके बारे में हो। और यहाँ पर मैंने इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं उन लोगों के लिए जो इसे एक जनरल एप्लीकेशन की तरह यूज करना चाहते हैं और उन लोगों के लिए भी जो इसे मॉडिफाई करके टर्मिनल से रन करना चाहते हैं, अपने हिसाब से इसे बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर अभी के लिए हम इसकी .exe फाइल को डाउनलोड करेंगे और एक जनरल एप्लीकेशन की तरह यूज करेंगे। इसमें इस पीडीएफ में आपको यह भी मिलेगा कि किस प्रकार से ऑनलाइन मीटिंग्स मैनेजर का जो ये सॉफ्टवेयर है ये सारे एरर्स को कैसे हैंडल करता है। जैसे कि इसके नाम में ही लिखा हुआ है ये एक रोबस्ट एप्लीकेशन है, तो इसको सारे एरर्स को हैंडल करना आना चाहिए। तो ये प्रयास करता है कि जितने भी एरर्स इसे आ रहे हैं, चाहे वो मीटिंग को कनेक्ट करने में हो या फिर मीटिंग डिटेल्स को सॉर्ट आउट करने में हो, ये उन्हें हैंडल करता है। तो आइए इसे डाउनलोड करते हैं। इसकी डाउनलोड लिंक यहाँ पे दी हुई है dropbox.com पे। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप Dropbox की इस क्लाउड रिपोजिटरी पे चले जाएंगे और ये है वो फोल्डर जिसे हमें डाउनलोड करना है। आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसकी एक zip फाइल डाउनलोड होगी, ये लगभग 130 MB की है और जैसे ही आप इसे डाउनलोड करेंगे ये कुछ इस प्रकार की दिखेगी। आइए इस zip फाइल को हम अपने डेस्कटॉप पे कॉपी कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे कॉपी करने के बाद ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर पहुंच जाएगी और अब हमें इसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस अभी हम देखते हैं। जैसे ये कॉपी हो जाए आप इस पर राइट क्लिक करिएगा और एक्सट्रैक्ट हियर पर क्लिक करिएगा। एक्सट्रैक्ट हियर पर क्लिक करने के बाद ये फाइल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और एक फोल्डर बना देगा ओमित्रा के नाम से। बस इतना ही था। आपने बड़ी ही आसानी से ओमित्रा ऐप को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लिया। अब आप जैसे ही इस फोल्डर में जाएंगे आपको यहाँ पर ओमित्रा नाम से एक एप्लीकेशन मिलेगा और यदि आपके पास ये शॉर्टकट अवेलेबल नहीं है आप इस पर राइट क्लिक करिएगा और यहाँ पे क्रिएट शॉर्टकट के ऑप्शन से एक शॉर्टकट क्रिएट कर लीजिएगा। जैसे ही आपको ये शॉर्टकट क्रिएट हो जाता है आप इसे कॉपी करिए और अपने डेस्कटॉप पर पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे आपका एप्लीकेशन बाहर आ गया है। अब चाहे तो आप ये इन दोनों फाइलों को अपनी सी ड्राइव में डाल सकते हैं, डी ड्राइव में डाल सकते हैं या फिर आप जहाँ चाहें उस ड्राइव में से डाल दीजिए ताकि ये फाइल बाद में डिलीट ना हो, क्योंकि इसी में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सेव होती है। अभी के लिए मैं इन्हें यहीं पर रहने देता हूँ। आप जैसे ही इस फाइल पर डबल क्लिक करेंगे ये ओमित्रा थोड़ी देर में खुलने लगेगा और जैसा कि देखा आपने पहले स्प्लैश स्क्रीन आई और उसके बाद ये लॉगिन पेज आया। आइए इस पर लॉगिन करते हैं। यहाँ पे अभी मैं अपना नाम डाल देता हूँ, अपना ईमेल डाल देता हूँ और अपने ईमेल का पासवर्ड डाल देता हूँ। याद रखिएगा ये वही ईमेल है जिसका इस्तेमाल ये सॉफ्टवेयर करने वाला है अपनी मीटिंग्स में लॉगिन करने के लिए, क्योंकि ये हम गूगल मीट की लिंक का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो गूगल में ये पहले साइन इन करेगा इस ईमेल से और फिर जाकर के वो उस मीटिंग को ओपन करेगा। जैसे आप इसमें नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, देखिए यदि आपने सारी डिटेल्स इसमें अच्छी तरीके से फिल नहीं की है और पूरी फिल नहीं की है, जैसे कि यहाँ पे मैंने मेल और फीमेल में से कुछ चूज ही नहीं किया, तो ये मुझे बताता है कि प्लीज ऑल द रिक्वायर्ड फील्ड्स करेक्टली। तो देखिए इसने ये पहला एरर तो हैंडल कर ही लिया। आप जैसे इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अपनी इन्फॉर्मेशन देने के बाद, फिर ये आपसे मीटिंग्स की इन्फॉर्मेशन मांगेगा। तो चलिए इसे मान लेते हैं पहली लिंक हमारी मैथ्स की है और इसे हम एक मीटिंग लिंक पकड़ा देते हैं। और मान लेते हैं हमारी दूसरी क्लास है इंग्लिश की
और तीसरी क्लास है हिंदी की। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सारी डिटेल्स भर दी हैं, यहाँ पे मैंने डेज भी डाल दिए हैं, टाइम भी डाल दिए हैं और यहाँ पर मैंने मीटिंग लिंक्स को भी भर दिया है। आप जैसे ही इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज देखने को मिलेगा। अगर आपने ये सारी प्रोसेस कंप्लीट कर ली है, अपनी सारी डिटेल्स भर दी हैं, अपने सारे क्रेडेंशियल सॉफ्टवेयर को दे दिए हैं और अब आपके पास ये स्क्रीन अवेलेबल है, यदि आप अब भी इसे क्लोज करके वापस खोलेंगे तब भी आपको यही स्क्रीन देखने को मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि आने वाले हर टाइम में आपको यही स्क्रीन मिलेगी जब तक आपकी इन्फॉर्मेशन आपकी क्रेडेंशियल सॉफ्टवेयर में है। तो इस स्क्रीन पर आइए देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है। यहाँ पे एक अर्जेंट मीटिंग लिंक का ऑप्शन अवेलेबल है। यदि कोई ऐसी मीटिंग है जो आपके शेड्यूल में नहीं है, आपने सेव नहीं किया हुआ है और अर्जेंटली आपको उसमें लॉग इन करना है, उसमें जाना है अपनी ईमेल आईडी का इस्तेमाल करते हुए, आप उसे यहाँ पर डाल सकते हैं। यदि मैं पे कुछ भी टाइप करना चाहूं और फिर अगर स्टार्ट लिंक पे करूंगा तो ये पहले उस लिंक को चेक करेगा कि वो पहले गूगल मीट की लिंक है भी या नहीं, और यदि नहीं है तो ये एरर थ्रो करेगा। इसे आप हटा भी सकते हैं और अगर वो कोई गूगल मीट की लिंक होगी तो वो अपने आप ही उसे ओपन कर देगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑप्शन दिया हुआ है यूज डिफॉल्ट ब्राउजर का। तो ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये वेब ऑटोमेशन का इस्तेमाल करते हुए खुद का एक विंडो ओपन करता है, ब्राउजर विंडो ओपन करता है, उसमें आपकी ईमेल अकाउंट से लॉगिन करता है, फिर जाकर के वो उस मीटिंग लिंक के पेज पे रीडायरेक्ट करता है। पर यदि आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, आपने पहले से ही अपने सिस्टम के ब्राउजर में अपने ईमेल अकाउंट से लॉगिन किया हुआ है और उसी में आप चाहते हैं कि मेरा गूगल मीट का लिंक खुले, तो आप इस ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। ये वापस से लॉगिन नहीं करने वाला, ये बस आपके गूगल क्रोम या फिर जो भी फायरफॉक्स यदि आपके पास है या जो भी ब्राउजर आपके पास है उसमें वो गूगल मीट की लिंक खोल देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंज ईमेल और पासवर्ड का ऑप्शन भी दिया हुआ है। यदि आपने कुछ गलती से भर दिया है या फिर आप किसी और ईमेल से लॉग इन करना चाहते हैं, आप उसे यहाँ पर भर सकते हैं। क्लियर सेव डेटा का ऑप्शन है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप वापस से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें, वापस से सारी डिटेल्स भरें, तो आप क्लियर सेव डेटा का ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट डेवलपर का भी ऑप्शन है, यदि आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप वापस से उसी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। ये है मेरी वेबसाइट, तो आप यहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं इस पेज के थ्रू। और अब आइए स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से हमें मैसेज देता है। Attend your class now. I'm setting up everything for you. Wait for some time. तो देखा आपने कैसे इसने बोलकर मुझे बताया कि अभी मेरी हिंदी की क्लास है और अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये सब अपने आप ही कर रहा है। वेब ऑटोमेशन का इस्तेमाल करते हुए ये मेरी ईमेल आईडी में लॉगिन करेगा, परंतु अभी मैंने इस अपनी ऑफिशियल ईमेल आईडी से पकड़ाई हुई है इसलिए ये ईमेल आईडी पर लॉगिन नहीं कर पा रहा है। प्लीज ग्रांट अस परमिशंस। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये अपना खुद का ब्राउजर विंडो खोल करके आप उसमें लॉगिन करता है, तो आप जैसे ही कोई नया ब्राउजर विंडो ओपन करके गूगल मीट पे जाते हैं ये परमिशन मांगता है अपनी माइक्रोफोन और कैमरा को यूज करने के लिए। ये सॉफ्टवेयर वो भी आपको बताएगा कि आप इसे ये सारी परमिशन दे दें। तो हमने जो मीटिंग लिंक इसे दी थी वो वैलिड नहीं थी, इसलिए ये मीटिंग पर ज्वाइन अभी नहीं हो पाया है। यदि वो मीटिंग लिंक वैलिड होगी तो ये अपने आप उस सॉफ्टवेयर में लॉगिन कर उस मीटिंग लिंक पर पहुंच जाएगा और आप आसानी से अपनी मीटिंग को एंजॉय कर पाएंगे। आइए इसे बंद करते हैं और वापस अपने सॉफ्टवेयर कैंसलिंग द मीटिंग। ये है हमारा सॉफ्टवेयर, आइए इसे क्लियर डेटा करते हैं। और जैसे ही आप क्लियर डेटा पे क्लिक करेंगे ये आपसे कहेगा कि ऑल द सेव डेटा हैज बीन क्लियर्ड, रीस्टार्ट द ऐप। और इसके बाद यदि आप इसे वापस चालू करेंगे तो आपको वो सारी प्रोसेसेस वापस से करनी पड़ेंगी। आपको ये लॉगिन पेज वापस दिखेगा, आपको सारी क्रेडेंशियल्स वापस भरने पड़ेंगे। एक बहुत अच्छी चीज़ इस बात की ये है, मैंने जो लाइब्रेरी का इस्तेमाल किया है इसे बनाने में वो है पाईसाइट 2 और ये बहुत ही डायनामिक लाइब्रेरी है। पाइथन के साथ में ये इसे और भी डायनामिक बना देती है क्योंकि इसमें आप हर एक चीज को कस्टमाइज कर सकते हैं। अब जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इस टाइटल बार तक को कस्टमाइज किया हुआ है और इन छोटे छोटे क्लोज मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बटन को भी मैंने कस्टमाइज किया हुआ है। ये आपको सारी सुविधाएं देता है, ये आपको फ्रेमलेस विंडो बनाने के लिए देता है और इसकी संभावनाएं अनंत हैं। आप चाहें तो खुद भी इसे बना सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। और यदि मैं आपको बताना चाहूं कि ये डेटा किस तरीके से सेव करता है, मैंने इस
एप्लीकेशन में डेटा सेव करने के लिए .json फाइल की मदद ली है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन फाइल्स की, पर यहाँ कहीं पे भी आपको वो JSON फाइल्स नहीं दिखने वाली है, क्योंकि उस JSON फाइल में आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी है, आपकी ईमेल अकाउंट भी है, आपके पासवर्ड भी है, आपकी मीटिंग डिटेल्स भी है, तो आप नहीं चाहेंगे कि कोई भी आपको सॉफ्टवेयर खोले, उसकी फाइल्स खोले और वहां से आपकी ईमेल का पासवर्ड निकाल ले। तो इसे भी इसने हैंडल किया है, इसमें भी मैंने वो कोड लिखा हुआ है जिससे कि वो सारी फाइलों को पहले छुपा देता है, उसे आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कमांड लाइन के थ्रू उसे हाइड कर देता है और जरूरत पड़ने पे उसे अनहाइड करके अपनी डिटेल्स निकालता है और वापस उसे हाइड कर देता है। तो ये सॉफ्टवेयर की बहुत ही खास बात है। आइए अब देखते हैं इसकी एरर हैंडलिंग एबिलिटी। मान लेते हैं आपकी पहली मीटिंग थी मैथ्स की, यह है उसकी मीटिंग लिंक और ये सुबह 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक थी, और आपकी दूसरी मीटिंग है साइंस की, यह रही इसकी मीटिंग लिंक और यह दोपहर 2 बजे से लेकर के दोपहर 3 बजे तक है, और ये दोनों ही संडे मंडे और ट्यूजडे को होती हैं। अभी समय हो रहा है 1:38, तो टेक्निकली अभी आपकी कोई मीटिंग नहीं है, आपकी आने वाली मीटिंग 2 बजे है। तो यदि इसे देखा जाए तो इस सॉफ्टवेयर को इस एरर को हैंडल करना चाहिए और इसे बताना चाहिए मुझे कि मेरी मीटिंग साइंस की है, अगली मीटिंग है और अभी मेरी कोई मीटिंग नहीं। आइए अब हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करके देखते हैं ये किस प्रकार से इस एरर को हैंडल करता है। साइंस क्लास हैज नॉट स्टार्टेड येट, वेटिंग फॉर इट टू स्टार्ट। इट विल स्टार्ट एट 2 PM। द लास्ट क्लास यू हैड वाज मैथ्स। तो देखा आपने किस प्रकार से इसने इस एरर को हैंडल किया है। अभी मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू की हुई है, इस वजह से आपको ये नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है। यदि आप इसे अपने कंप्यूटर पर चलाएंगे तो आपको इसके साथ एक नोटिफिकेशन भी मिलेगा। यदि आपका ऑडियो 0 पर है, कोई वॉल्यूम नहीं है, तब भी आपको नोटिफिकेशन से पता चल जाएगा ये आपसे क्या कहना चाहता है। तो इस प्रकार से इस एरर को हैंडल करता है। मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मुझे इस मीटिंग पर ये लेकर के जाए, इस अर्जेंट मीटिंग पर लेकर के जाए, परंतु अभी मेरा कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इस एरर को हैंडल करता है ये। कैंसलिंग द मीटिंग। तो देखा आपने किस प्रकार से इसने इस एरर को हैंडल किया और ये एप्लीकेशन हैंग नहीं हुआ, इसने मीटिंग ही कैंसिल कर दी यदि आपका इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। यदि आपका इंटरनेट कनेक्शन होता तब आपको ये उस मीटिंग पर लेकर के जाता, हमने जो मीटिंग लिंक दी थी वो वैलिड थी, अगर वो वैलिड है तो आपको उस मीटिंग पर लेकर ही जाएगा। तो इस प्रकार से ये इस एरर को हैंडल करता है। यह था मेरा सॉफ्टवेयर ऑनलाइन मीटिंग्स मैनेजर इन टाइनी रोबस्ट एप्लीकेशन। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।